हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ अपना आपके यूट्यूब चैनल जेबी करियर। तो मैं आपको आज बताने वाला रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से चीपेस्ट रेट पे फ्लाइट सीट कैसे बुक करें। आप लोगों को जो भाई लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओनली शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को बता दूँ फ्लिपकार्ट से फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं आप, और बहुत ईजीली कर सकते हैं। चलिए तो टाइम नहीं गंवाते हुए देखते हैं कैसे बुक करते हैं। तो जैसे मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन किया, तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है फ्लाइट टिकट, ठीक है। तो जैसे आप फ्लाइट टिकट चूज सर्च करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो सिंपली मैं चूज़ कर लेता हूँ न्यू दिल्ली, और यहाँ पे सोर्सेस मुंबई, ठीक है। आपको सिंपल डेट चूज़ करना है, कौन सा डेट पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं फेब्रुआरी 5 को एक डेट सेलेक्ट किया, यहाँ से डन किया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सर्च फ्लाइट पे करना है। जैसे आप सर्च फ्लाइट में क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा। आप यहाँ पे देखिए एयरएशिया, इंडिगो, सारे फ्लाइट का नाम आ रहा है, टाइमिंग शो कर रहा है, कितना अमाउंट है टिकट का, सारे कुछ शो करेगा। अब जिस भी फ्लाइट पे टिकट बुक करने के लिए चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इंडिगो में करता हूँ, 12 बजे है, दोपहर को 12 बजे। तो ऐसे इसमें सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, आ गया। आपको यहाँ पे फ्लाइट का नंबर, डेट ऑफ जर्नी सारे कुछ शो कर रहे हैं। और एक खास बात है, फ्लिपकार्ट से फ्लाइट बुक कर आपके पास अगर कोई शॉपिंग करते हैं और आपको अगर सुपर कॉइन मिलता है उससे, आप लोगों सभी को पता है जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग उस पर से सुपर कॉइन मिलता है, और वो सुपर कॉइन आप यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक क्लिक किया ना, देखिए 32 रुपीज़ मेरा 32 रुपये था सुपर कॉइन पे, वो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो गया। आपके पास ऐसे 300 रहे, 400 रहे, 500, अगर 1000 तक भी रहेगा, तो वो भी आपका जो मेन अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा आपका फ्लाइट टिकट का, उससे वो माइनस हो जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सुपर कॉइन यूज़ करते हैं और इन आप फ्लाइट टिकट बुक भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर टिकट कैंसिल करते हैं आप, तो आपको अमाउंट तो रिफंडेबल हो जाएगा, बट ये सुपर कॉइन रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सुपर कॉइन यूज़ भी कर लिया, उसके बाद और एक ऑप्शन मिलता है क्या, प्रोमो कोड अप्लाई का। आपके पास अगर कोई कूपन कोड है मिला है तो अप्लाई कर दीजिए। आपके पास अगर कोई कूपन कोड है नहीं, तो सिंपली व्यू मोड ऑफर में क्लिक करना है। जैसे आप व्यू मोड ऑफर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। जैसे देखिए गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल फ्लाइट बुकिंग ऑन ICICI कार्ड। आपका पास अगर ICICI बैंक का कोई डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ICICI बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ना हो, तो फिर सेकेंड ऑफर जो है 5% ऑन ऑल फ्लाइट बुकिंग पे, वो भी यूज़ कर सकते हैं। गेट 7% ऑफ ऑल फ्लाइट बुकिंग, फिर 5% ऑन फ्लाइट बुकिंग, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगे आप अप्लाई करके देख लीजिए, आपको जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिले आप उसी प्रोमो कोड के अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं ये अप्लाई करता हूँ 7% का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया है 7% का, और देखते हैं मुझे कितना डिस्काउंट मिलता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कूपन कोड अप्लाई किया, इस पर देखिए 48 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 3200 में सुपर कॉइन पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल मेरे को पे करना कितना है, 2620 रुपये। तो सिंपली आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, तो इस पर क्या है, आपको नाम डालना पड़ेगा। तो नाम डालने के लिए सिंपली क्या करना है, एड एडप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। तो चलिए मैं नाम नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं नाम ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो जैसे आप दो नाम सिलेक्ट हैं, तो मैं मान लीजिए मैं ये करता हूँ, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है। तो मेक श्योर कीजिएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपको SMS जाएगा, और ईमेल आईडी पे आपको टिकट सेंड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ये बात का ध्यान रखे, नाम मोबाइल नंबर और ईमेल आई डालने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, पर कंटिन्यू में दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे वैसे ही आपको पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स मेरा, हाँ देखिए ये मेरा पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें मेरा कोटक का डेबिट कार्ड भी और एक फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड भी ऐड है। आपके पास अगर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में कोई पहले से ही कार्ड ऐड होगा तो आपको शो करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सीसीबी डाल के कंटिन्यू करना है, और जो ओटीपी आएगा ओटीपी डाल के आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं कार्ड से नहीं करूँगा कि वो पैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेटीएम यूपीआई फ़ोनपे वॉलेट, अगर इंटरनेट बैंकिंग, और एक दोस्तों खास बात है इस पर आप ईएमआई भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे आप उसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको जैसे सही लगे उससे करना है, सिंपली कंटिन्यू करना है, आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी आ जाएगा और ईमेल पे आपको टिकट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए थैंक यू, जय हिंद।